Hello students, today we are going to read our lesson first. This is our first lesson of class 5 English. The name of the lesson is We Shall Overcome. बच्चों आपने इसका हिंदी सॉन्ग हम होंगे कामयाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों ये सॉन्ग हमारे स्कूल की प्रेयर में भी आप गाते हो, है ना। तो देखो इसमें कुछ बातें हमसे पोएट जो राइटर इस लेसन के वो पूछना चाहते हैं कि इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। क्या बच्चों आप बताओ क्या आपको ये प्रेरणास्पद नहीं लगता गाना? मुझे तो लगता है क्योंकि इस गाने को सुनते ही हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि हम हर मुसीबत को पार पा लेंगे और हम जीवन में जरूर कामयाब होंगे। अच्छा बच्चों क्या आपको पता है कि ये सॉन्ग ओरिजिनली जो है वो इंग्लिश में है और इसको हिंदी में किन्होंने ट्रांसलेट किया? हिंदी के जाने माने कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने। चलो हम इस सॉन्ग को रीड करते हैं और फिर देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि हम एक दिन अवश्य कामयाब होंगे, हम अवश्य जीत प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। किस चीज पे? हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की मुसीबतों पे, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों पे, जो कि हमारे जीवन में समय समय पर आती रहती हैं। और इस बात का उसे पूरा विश्वास है और जैसा कि हिंदी में कहा है कि पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, है ना, मन में पक्का विश्वास है कि हम उन मुसीबतों से विजय जरूर प्राप्त करेंगे। We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. इस सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है? वो कहता है कि हम हाथ में हाथ लेकर चलेंगे। हाथ में हाथ लेकर चलेंगे का मतलब है कि हम मिलजुल के चलेंगे। बच्चों आपको पता है कि मिलजुल के करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, उसे बहुत से लोगों का साथ चाहिए होता है, है ना। तो इस बात का भी पोएट को बहुत ही मन की गहराई से पूरा विश्वास है कि हम सब लोग, मैं कहूँगा भारतवर्ष के लोग, हमारे पूरे भारत देश के लोग, हमारी पूरी दुनिया के लोग एक दिन हाथ में हाथ डाल के जरूर चलेंगे। We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. बच्चों इस थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड, हम किसी से डरे नहीं हुए हैं, ना ही हम डरेंगे, और आज के दिन हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि आपने सेकंड स्टैंजा में देखा कि पोएट कह रहा है कि हम चलेंगे साथ साथ, है ना, क्योंकि जब बहुत से लोग मिलके चलते हैं तो फिर उन्हें डर नहीं लगता, अकेले व्यक्ति को डर लगता है। तो बच्चों बताओ अकेले रहना चाहिए या मिलजुल के रहना चाहिए? मुझे पता है आपका आंसर होगा मिलजुल के रहना चाहिए। Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. तो वापिस इस बात का भी पोएट को पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमें आज किसी का डर नहीं है। तो बच्चों डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, पहले मुसीबत का रीज़न पता करना चाहिए, मुसीबत क्या है उसको समझना चाहिए, फिर उससे बचने के उपाय खोजने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। चलो बच्चों अब हम इसका
नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। बच्चों इस स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है कि जो ट्रुथ है वो हमें फ्री कर देगा, मतलब सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। बच्चों बताओ ट्रुथ कैसे मुक्त कर सकता है? देखो बच्चों, अगर हम हमेशा सच बोलते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता है, कोई भी हमारे हृदय पे भार नहीं रहता है कि हमने पहले क्या कहा था अब हम क्या कहें, है ना। हमें एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत से झूठ नहीं बोलने पड़ते हैं, क्योंकि सच तो हमेशा सेम ही होता है, तो उसे बदलना नहीं पड़ता, है ना। तो इस तरह से हम आज़ाद हो जाते हैं और बहुत सी बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस बात का भी पोएट को पूरा विश्वास है कि जो सच है वो हम सब के दिल में समा जाएगा और हम सब उसके रास्ते पे चलेंगे और इस तरह हम सब फ्री हो जाएंगे, मतलब आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और बड़े अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल लिव इन पीस समडे। बच्चों देखो इस लास्ट स्टेंजा में पोएम के पोएट क्या कहते हैं कि हम शांति से रहेंगे, है ना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम शांतिपूर्वक रहेंगे। शांतिपूर्वक रहेंगे मतलब कोई भी एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं होगी, है ना, और सब मिलजुल कर रहेंगे, कहीं भी युद्ध नहीं हो रहा होगा, कहीं भी नफरत नहीं फैली होगी, सब जगह शांति होगी। अभी आप देख रहे हो दुनिया की बहुत सी जगहों में आपस में युद्ध होते रहते हैं, है ना। हमारा देश भी पड़ोसी देशों से बहुत बार युद्ध कर चुका है और ऐसी स्थितियां बनी भी रहती हैं, है ना। तो इस तरह से पोएट चाहता है कि हम सब शांतिपूर्वक रहें और वो दिन जरूर आएगा, उसको इस बात का पूरा विश्वास है और पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर एक दिन शांति से जरूर रहेंगे। तो बच्चों ये सॉन्ग आपको कैसा लगा? इसके आप देख रहे हो कि इंग्लिश में ये किसने लिखा है, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट लेसन है इंग्लिश का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे लेसन वन की एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्टिविटी वन, क्वेश्चन ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी हमें इसमें ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। क्वेश्चन वन है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक्स अस फ्री, कि पॉइंट के हिसाब से हमें क्या चीज है जो आजाद करती है, फ्री करती है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है करेज, बी विक्ट्री, सी पीस, डी ट्रूथ। हमें बच्चों देखो अगर देखें तो हमें सॉन्ग जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक लाइन आई थी, ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, यानी इन चारों चीजों में से ट्रुथ है जो हमें फ्री महसूस कराता है, यानी इसका आंसर है डी ट्रुथ। तो हम यहां फिल कर देते हैं डी। नंबर टू, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, सॉन्ग में हैंड इन हैंड का क्या मतलब है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, किसी गली में चलना, यूनाइटेडली यानी एक हो जाना, ए परेड, या मेकिंग ए ट्रिप। तो बच्चों इसमें हैंड इन हैंड का मतलब था एक हो जाना, है ना। इसका हिंदी में अगर हम सॉन्ग सुनते हैं तो हम बोलते हैं ना हम चलेंगे साथ साथ, यानी यूनाइटेडली। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अब हम यहां फिल कर देंगे। अब हम यहां क्वेश्चन थ्री देखेंगे, व्हाट डज डीप इन माय हार्ट मीन, डीप इन माय हार्ट का क्या मतलब है। व्हाट आई समटाइम्स होप, फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट आई समटाइम्स होप, कि जो मैं कभी कभी आशा करता हूं। बी व्हाट आई स्ट्रांगली फील, जो मैं बड़ी मतलब बड़े स्ट्रांगली महसूस करता हूं। सी व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूं।
या डी व्हाट आई लाइक। तो बच्चों आपको याद होगा डीप इन माई हार्ट का मतलब अपने दिल की गहराई से, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली जो मैं फील करता हूं, ये इसका मीनिंग है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी पे और फिल करेंगे ब्रैकेट्स में बी। सो ये हमारी ए एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं एक्टिविटी नंबर बी पे। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, वी शैल नेवर ओवरकम, ये लाइन कह रही है वी शैल नेवर ओवरकम। तो नेवर वर्ड को आप बच्चों ध्यान देना, वी शैल नेवर ओवरकम का मतलब है कि हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे, जबकि हमने पढ़ा था वी शैल ओवरकम, है ना। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वी विल फिल फॉल्स। नंबर टू, विल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं आया था सॉन्ग में, सॉन्ग में आया था विल वॉक हैंड इन हैंड, है ना। तो इसका आंसर है फॉल्स। नंबर थ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि ट्रूथ हमें एक दिन फ्री करेगा। तो ये लाइन आई है इस सॉन्ग में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। बच्चों इस लेसन की एक्सरसाइज सी है जो वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम आपको अलग से करवा देंगे बच्चों, ठीक है। अभी एक बार हम इसकी एक्टिविटी टू देखते हैं। एक्टिविटी टू में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और उसमें से हमें चूज करके फिल करने हैं। फर्स्ट इज आई ऑलवेज स्पीक द डैश, आई ऑलवेज स्पीक द डैश। अगर बच्चों हम ध्यान से हमारे ऑप्शंस को देखेंगे तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं इसमें से, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रूथ, पीस। देखो बाकी जो सभी वर्ड्स हैं उनको बोला ही नहीं जा सकता, यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड है ट्रूथ जो बोलने के लिए यूज हो सकता है, तो हम फील करेंगे ट्रूथ। नंबर टू, इन द ट्राइकलर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर। अब यहां ट्राइकलर क्या चीज है, हमारा तिरंगा, हमारे देश का झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज, ट्राइकलर, उसमें व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर। बच्चों आपने पहले पढ़ा है अपनी फोर्थ क्लास में, व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस, यानी शांति के लिए, और पीस जो है हमारे ऑप्शन में भी है, तो इसका आंसर है पीस। नंबर थ्री है, ए थीफ इज ऑलवेज डैश ऑफ द पुलिस, कि एक चोर है जो हमेशा डरता है पुलिस से, है ना। तो यहां पे डरने की बात आ रही, तो डरने के लिए यहां पे जो वर्ड आएगा दैट इज अफ्रेड, तो वी विल फील अफ्रेड। नंबर फोर, विद कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आर फियर्स, विद कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आर फियर्स। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने डैश को, सॉरी, हम हमारे फियर्स को डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओवरकम, हम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम यहां फील करेंगे ओवरकम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहां पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें से जो ब्लैंक्स हैं वो इस लेसन के नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे बच्चों, वहां पर आपको इस तरह के सेंटेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको सेंटेंस को समझ के वहां आपको सूटेबल वर्ड फिल करना आ सकता है, तो इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन रखेंगे। अब हम एक्टिविटी थ्री पे आते हैं। एक्टिविटी थ्री है, स्टैंड इन ए सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड। तो ये सिर्फ एक ओरल एक्टिविटी है, तो आप अपने सभी भाई बहनों के साथ, है ना, अभी हम बाहर तो जा नहीं सकते तो दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने भाई बहनों के साथ इसको साथ मिलके हाथ, जैसे इस पिक्चर में बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, हाथ पकड़ के आप गा सकते हो। अगर आप अकेले हो घर पे तो आप अकेले इस सॉन्ग को गाइए, है ना, पीछे बुक से रीड करिए और गाइए। नेक्स्ट है एक्टिविटी फोर, ये बच्चों एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, दिस पोइम विच इज
इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग इंस्पायर्स अस टू फेस ए टफ सिचुएशन विद करेज, है ना। ये सॉन्ग एक इंस्पायरेशन वाला सॉन्ग है जो हमें इंस्पायर करता है कि कैसे हम टफ सिचुएशन को, यानी जब हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आए तो कैसे हम साहस से उसका सामना करें, है ना। ए नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स स्लोगन्स एंड पोइम्स वर रिटन टू इंस्पायर फ्रीडम फाइटर्स। बच्चों जब हमारा देश गुलाम था तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ऐसे बहुत से सॉन्ग्स स्लोगन्स यानी नारे या कविताएं लिखी हैं जो उन्होंने तब लिखी थी जब वो फाइट करे थे फ्रीडम के लिए हमारे मदरलैंड की, है ना, हमारी मातृभूमि की आजादी के लिए जब वो संघर्ष करे थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना। तो अंग्रेजों से आजादी के लिए जब हमारे देश के वो संघर्ष करे थे तब उन्होंने बहुत ऐसे सॉन्ग लिखे हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अपनी रफ कॉपी लेनी है, उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे 10 सच सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स, ऐसे 10 नारे या सॉन्ग्स आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम, है ना, पहले आपने सुना होगा कि आपने कोई पुरानी मूवी भी देखी होगी जिसमें आपने सुना होगा कि बहुत से हमारे जो देशभक्त थे वो ऐसे बोलते थे वंदे मातरम, है ना। इसमें आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी जो आपने मूवी देखी होगी ना भगत सिंह जी के ऊपर बनी हुई, है ना, तो उसमें आपको ऐसे जैसे एक स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, है ना, और ऐसे गांधी जी से संबंधित भी कुछ आपको स्लोगन्स मिलेंगे, ऐसे आपको सॉन्ग्स भी मिलेंगे। तो आपको, आप इसमें अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।